हमारा समर्पण ट्रस्ट के जागरूकता अभियान में हम बात करने जा रहे हैं चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन। बहुत ही कॉमन टॉपिक है बच्चों में कब्ज। बच्चे कई बारी पॉटी नहीं जाते हैं, कई बारी टॉयलेट नहीं जाते हैं, वो स्ट्रेन करते हैं, उनको पेन होता है कई बारी स्टूल्स पास करने में, पॉटी जाने में, और कई बारी वो रोते हैं, कई कई दिन तक पॉटी नहीं जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, मतलब वो पानी नहीं पी रहे हैं, या उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो रहे हैं। जैसे वो घर में तो ठीक से जा रहे हैं पॉटी, लेकिन अगर वो स्कूल जा रहे हैं या बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे वो होल्ड कर रहे हैं अपनी पॉटी को, तो होल्डिंग ऑफ द स्टूल्स इज देयर, इसके कारण उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनका चेंज हुआ है, या उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, स्कूल में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, या घर पे उनको कोई बुली कर रहा है इसीलिए वो कॉन्स्टिपेटेड है, या वो ठीक से खाना पीना नहीं खा रहे हैं इसीलिए उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो आपने बच्चे के माँ बाप से ये पूछना है या आपने ये जानना है कि कॉन्स्टिपेशन कब शुरू हुआ। वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है क्या, पीछे से कोई खून तो नहीं आ रहा है, बच्चे का डाइट कैसा है, बच्चा ज़्यादा पानी पीता है कि नहीं पीता है, बच्चा ज़्यादा फाइबर रिच फूड ले रहा है नहीं ले रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खा रहा है नहीं खा रहा है, कोई सॉइलिंग तो नहीं करता है, उसकी चर्बी गंदी तो नहीं है, कोई अब्डोमिनल पेन तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है बाउल प्रॉब्लम्स की, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। ये सब आपने जानकारी लेना है उनसे, या आपके रिश्तेदारों में जिसका भी बच्चा है उन सबको ये जानकारी हासिल करनी है। वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। आप देखेंगे कि बच्चे की आप डाइट इम्प्रूव करेंगे, बच्चे को पानी पिलाएंगे और बच्चे को रेगुलरली ध्यान रखेंगे, उसके वेट ग्रोथ डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। थोड़ी सलाह आप अपने बच्चे के डॉक्टर से भी ले सकते हैं, जो इनिशियली आपको थोड़ी दवाइयाँ दे देंगे और उन दवाइयों से भी बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाएगा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। कई बार थायराइड प्रॉब्लम्स भी बच्चे को हो सकती है जिसके कारण भी बच्चा जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है। कई बार सीलियाक डिजीज एक करके होती है, तो ये सब आपके स्पेशलिस्ट आपको सलाह देंगे, और तरह तरह के ब्लड टेस्ट होंगे जिनसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। कई तरह के दवाइयाँ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चों को दी जा सकती हैं और जिससे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल अपने स्टूल्स नॉर्मल उनको पॉटी होगी और बच्चों का कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। लेकिन आप भी कर सकते हैं, माँ बाप एज माँ बाप आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे को खूब ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा दीजिए, उनको पानी अधिक मात्रा में खिलाइए, फिजिकल एक्सरसाइज कराइए। अगर आपका बच्चा बैठे बैठे टीवी देखता रहता है या वीडियो गेम्स खेलता रहता है तो उसको बोलिए कि जाके गार्डन में खेले और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें। धन्यवाद।